हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक पढ़ लिया है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो वो हम लगे हैं पढ़ने अभी, सैप्रोट्रोप्स। तो व्हाट इज सैप्रोट्रोप बेटा? तो सैप्रोट्रोप पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला, यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब भी मशरूम लेते हैं तो हमें वहाँ हमारे पास मशरूम के पैकेट आते हैं ना। तो उन्होंने बोला, जो मशरूम होता है, हमारा फ्लफी अम्ब्रेला होता है, वो होता कैसे है? वो कैसे होता है बेटा? ग्रोइंग ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग, ग्रोइंग ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, तो वो क्या कहाँ पे होता है? हमारी रूट्स में होता है, हमारे जो प्लांट की रूट्स होती है, ट्री की रूट्स होती है, तब वहीं पे होता है। वो कैसे होता है? जब हमारे पास रेनी सीजन होगा तभी हमारे पास मशरूम हमको मिलेगी। तो उन्होंने बोला, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अभी हम न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे मशरूम के, जिसको लेके वो मतलब कि सर्वाइव करता। ओके, तो बेटा अभी हमारे पास उन्होंने बोला कि जैसे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, तो एक्टिविटी में हमें क्या बोला उन्होंने, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, मॉइस्टन इट विद वाटर। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रेड का पीस लेंगे और उसे मॉइस्ट कर लेंगे विद वाटर से, और हम उसको लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 and 3 days। मतलब कि हम क्या करेंगे, उसको हम रख देंगे मॉइस्ट वार्म प्लेस में कितने दिनों के लिए, 2 or 3 days के लिए, और अनटिल फ्लफ़ी पैचेस अपेयर ऑन देम। मतलब कि उसके ऊपर क्या होना, जब स्टार्ट हो जाएगा फ्लफ़ी पैचेस, दिस पैचेस मे बी वाइट ग्रीन ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर। उन्होंने बोला कि जो ये वाले पैचेस है हमारे पास वाइट ग्रीन ब्राउन और अदर कलर के हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो हम क्या करेंगे, वो ब्रेड लेंगे जो हमारे पास जिस पे फ्लफी पैचेस बने हुए हैं, हम क्या करेंगे उसे अंडर ए माइक्रोस्कोप रखेंगे। तो हम उसकी मैग्नीफाइंग ग्लास से, और ए मैग्नीफाइंग ग्लास, जहाँ माइक्रोस्कोप ले लो बेटा या मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, हम उससे क्या देखेंगे कि हम उस पैचेस को देखना स्टार्ट कर देंगे कि जो वो पैचेस है उसमें क्या मतलब कि तैयार हुआ है। तो उन्होंने बोला, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन नोट करना स्टार्ट कर देंगे, किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से या मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद। तो वहाँ पे मोस्टली क्या होगा बेटा, मोस्टली प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो हमारे पास कॉटन लाइक थ्रेड क्या होगा, स्प्रेड करेगा पीस ऑफ ब्रेड पे। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। और जो हमारे पास जो कॉटन लाइक थ्रेड होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, फंजाई। तो क्या प्रोड्यूस हुआ हमारे पास वार्म वाटर से, जो उसको मॉइस्ट वाटर, जब उसको मॉइस्ट किया हमने तो उसे मॉइस्ट वार्म वाटर मतलब कि वार्म टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे रखा, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, फंजाई। तो बेटा अभी ये हमारे पास मेन है कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फंजाई। ठीक है, दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, इन्होंने बोला कि दे हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक हमारे पास अलग तरह का न्यूट्रिशन है जो क्या करता है, अपने अंदर से डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है, मतलब कि बनाता है। और वो कहाँ पर बनता है हमारे पास डाइजेस्टिव जूस और फंजाई बेटा, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो हमारे पास डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं वहाँ पे हमारे पास ये बनता है। देन दे ऑब्जर्व, उन्होंने बोला कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से हमारे पास डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। और वो क्या करता है, उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है। कौन करता है बेटा, हमारे पास जो फंजाई होगा वो क्या करेगा, एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगा डेड एंड डिकेइंग मैटर से, और उसको एक जूस मतलब कि सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा। एंड नेक्स्ट बेटा, देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फॉर्म इट्स न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि बाद में क्या होगा, बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वो डाइजेस्टिव सेक्रेट जूस सेक्रेट कर रहा है वो मतलब कि क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स बनाएगा, जो हमारे पास वो कन्वर्ट होगा ना सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स, वो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर।
उन्होंने बोला कि जो इस तरह के न्यूट्रिशन को लेता, ठीक है, जो हमारे पास डेड एंड डाइंग न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं, जो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को लेता है उसे हम बोलते हैं, या उस मैटर को क्या बोलते हैं जो न्यूट्रिशन हमारे पास प्रोवाइड होता है, उसे बोलते हैं सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वो कहाँ से प्रोवाइड होगा बेटा? हमें डेड एंड डाइंग मैटर से। प्लांट विच यूज सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन्होंने बोला जो प्लांट हमारे पास सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रोप्स। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा? सैप्रोट्रोप्स। तो अभी हमें पता चल गया कि जो सैप्रोट्रोप्स होते हैं वो डेड एंड डाइंग मैटर से सेक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं एक सोल्यूशन में। सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, किसको? हमारे प्लांट को, ठीक है। और जो प्लांट वो न्यूट्रिशन लेता है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? सैप्रोट्रोप्स। और जो न्यूट्रिशन बनता है डेड एंड डाइंग मैटर से वो क्या होता है हमारे पास? सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके बेटा, ये था हमारा टॉपिक सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फंजाई आल्सो ग्रोन ऑन पिकल लेदर क्लोथ एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन्होंने बोला कि जो हमारे पास फंजाई है वो हमारे पिकल में भी हो जाती है, लेदर में भी हो जाती है, क्लोथ में भी हो जाती है। हाँ तो बेटा, जो फंजाई है हमारे पास कहाँ पे होगी? ग्रोन पिकल्स लेदर क्लोथ एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन द हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट मतलब कि गर्म और ह्यूमिड वेदर में रखेंगे उसको फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वो क्या हो जाएगा? फंजाई प्रोड्यूस कर देगा। और फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो हमारे पास फंगस होती है वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है शेल्टर किसको? वाटर और एल्गा। जो हमारे पास मिनरल होता है एल्गा, उसको प्रोवाइड करती है ये शेल्टर। इन रिटर्न दे एल्गा प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द एल्गा प्रोवाइड फूड मतलब कि जो हमारे पास एल्गा होती है वो हमें क्या करती है? वो एक ऐसा मिनरल है जो हमारे प्रोवाइड करता है फूड किसको? जो भी हमारे पास प्लांट होगा उससे, न्यूट्रिशन से जो भी बनेगा वहाँ पे, उसको क्या करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे पास फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोवाइड करता है ना हमारा प्लांट, ऐसे ही हमें एल्गा जो हमारे पास मिनरल है वो हमें फूड प्रोवाइड करेगा। कौन सा? एल्गा मिनरल। और ये किसका शेल्टर होता है बेटा? इनको कौन शेल्टर देता है? फंगस। फंगस इन्हें शेल्टर देता है। ओके, तो बेटा जो मेन है आपने ये पढ़ना कि जो फंजाई है वो हमें कहाँ पे और कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके बाद वो क्या करेगा? डेड एंड डाइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये था बेटा आपका टॉपिक सैप्रोट्रोप्स। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम कल करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ो, इसके बारे में देखो, समझो जो मैंने बोला। थैंक यू बेटा।